आज बनाएंगे जिंजर गार्लिक पिकल, लेकिन मैंगो जिंजर के साथ। जी हाँ, मैंगो जिंजर का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका अचार बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। आप चाहें तो इसे रेगुलर जिंजर के साथ भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक पैन में एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अजवाइन और एक चम्मच काली मिर्ची का लेना है। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट करके एक ग्राइंडिंग जार में इसे निकाल लेना है। इसी ग्राइंडिंग जार में एक चम्मच काला नमक और एक चम्मच रेगुलर नमक लेना है आपको, और इसे ग्राइंड कर लेना है। बस मैंगो जिंजर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे देखने में बिल्कुल नॉर्मल जिंजर जैसी ही होती है, पर जैसे ही आप इसे कट करेंगे ना, तो हल्की येलोइश कलर की आपको दिखेगी और इसमें से मैंगो और जिंजर दोनों की खुशबू आएगी। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक एक बाउल भर के लिया है, एक बाउल भर के मैंगो जिंजर और ग्रीन चिली ली है 10 से 15, बहुत तीखी वाली। अच्छे से धो के सुखा के ही कट करना है, चॉप कर लेना चॉपर में डाल के। सभी मसालों को इसमें ऐड कर देना है और अब इसमें ऐड करना है लेमन जूस। तो आप चाहें तो यहाँ पे विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। तो 4 रसीले नींबुओं का रस आपको इसमें डाल देना है, बस स्टेनर में स्टेन करके, और इसे ग्लास के जार में आपको भर के 2 से 3 दिन के लिए, 2-2 घंटे के लिए धूप में रखना है। और बस 1 वीक में ही बन के रेडी हो जाएगा आपका मैंगो जिंजर गार्लिक एंड चिली पिकल। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना, और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके भी बताना कि रेसिपी कैसी लग रही है आपको। थैंक यू।